डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लेक्चर वन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्या कंसेप्ट होते हैं वो समझे थे कि कैसे कैलकुलेट होता है, पर एनम वर्ड दिया हो पर एनम वर्ड नहीं दिया उसका मतलब क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में उसका क्या यूज़ है, ये हमने समझा था। अब हम इसके सेकंड लेक्चर में ये कंसेप्ट ले रहे हैं कि अगर रेगुलर इंटरवल में अमाउंट विड्रा हुआ हो और इक्वल अमाउंट हो तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इसके बाद एक और कंसेप्ट हम सब लेंगे कि अगर रेगुलर इंटरवल ना हो या इक्वल अमाउंट ना हो तो फिर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। श्रेया एंड अदिति आर पार्टनर्स, देयर ड्राइंग्स आर रुपीज 60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब क्या, श्रेया की ड्राइंग से 60,000 जो पूरे साल भर में इवनली रही, यानी पूरे साल भर में इक्वल रही, साल में होते 12 महीने, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 ये हो गया 5,000, यानी श्रेया ने हर महीने 5,000 रुपीज विड्रा किए, हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रा किया, हर महीने इवनली अमाउंट विड्रा किया, इवनली का ये मतलब है। ऐसे ही अदिति की ड्राइंग से 1,20,000, उसके लिए भी यही दिया हुआ है इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अदिति की ड्राइंग से पूरे साल भर में 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 यानी ये आ गया 10,000, यानी अदिति ने हर महीने 10,000 रुपीज विड्रा किए, हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रा किया, हर महीने इवनली अमाउंट विड्रा किया। तो मैंने बात कही थी कि यहां पे हम कंसेप्ट ये समझ रहे हैं कि अगर रेगुलर इंटरवल में अमाउंट निकाला जाए तो दोनों पार्टनर ने हर महीने पैसा निकाला है, यानी हर विड्रॉवल के बीच में एक महीने की गैप है, वन मंथ का इंटरवल है, कभी एक महीने में पैसे निकाल लिए, कभी चार महीने में पैसे निकाले, ऐसा नहीं है, यानी अनइक्वल इंटरवल्स नहीं है दो ड्राइंग के बीच में, हर महीने पैसे विड्रॉ किए, फिर हर महीने अमाउंट भी इन्होंने इक्वल विड्रॉ किए हैं, जैसे कि श्रेया ने 5,000 रुपीज विड्रॉ किए थे जबकि अदिति ने 10,000 विड्रॉ किए हैं हर महीने। तो अगर हर इक्वल इंटरवल्स के साथ अगर अमाउंट विड्रॉ किया गया है, अमाउंट भी इक्वल है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अगर प्रॉपर मेथड जाए, शॉर्टकट पे न जाए, तो प्रॉपर मेथड में क्या होगा, श्रेया ने 5,000 रुपीज हर महीने पैसे निकाले, यानी पूरे साल भर में 12 बार पैसा निकाला। तो जब हम श्रेया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे अगर नॉर्मल तरीके से चले तो कैसे निकलेगा, वो जरा थोड़ा सा देखते हैं। तो इस तरीके से देखिए, अगर श्रेया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाए तो अप्रैल से मार्च तक के 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट 5,000 के विड्रावल पर, जो कि होता है 600। ऐसे अगले मंथ में जो मई में अमाउंट विड्रा हुआ उस पर मई से मार्च तक का इंटरेस्ट निकलेगा 550। ऐसे आखिरी तक जाएंगे, लास्ट वाला जो इंटरेस्ट लगेगा हमको वो लगेगा मार्च फर्स्ट से मार्च 31st तक 5,000 पर इंटरेस्ट लगेगा 50 रुपीज़। इस ढंग से टोटल इंटरेस्ट आएगा 3,900। पर कैलकुलेशन देखिए कितनी लंबी लगी, लिखने में तरीका देखिए कितना टाइम कितना लगा लिखने में। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, तो देखिए अगर शॉर्टकट तरीका ये है कि हर बार देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हर बार सेम ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 वो भी हर बार सेम है, टाइम के अंदर हर बार 12 से डिवाइड तो सब जगह हुआ ही हुआ है, बदला क्या है नंबर ऑफ मंथ, पहले बार में नंबर ऑफ मंथ कितने 12 आ रहे हैं, दूसरे बार में नंबर ऑफ मंथ कितने आ रहे हैं 11 आ रहे हैं, तीसरे में कितने आ रहे हैं 10, ऐसे अगर लास्ट वाले में देखें तो नंबर ऑफ मंथ कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। तो 12 से 1 तक इनका टोटल होता है 78 मंथ, 12 से 1 तक का टोटल होता है 78 मंथ। तो इंटरेस्ट बहुत आसान तरीके से डायरेक्ट भी निकल सकता था, कैसे ये देखें, हर महीने की ड्राइंग कितनी है 5,000, ये तो कॉमन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ये भी कॉमन है, हमको पहले वाले ड्राइंग पे 12 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, अगले वाले पे 11 मंथ का निकालना है, ऐसे करते करते लास्ट वाले पे एक महीने का निकालना है, टोटल हमको 78 मंथ होते हैं, 12 से 1 तक का टोटल करके अगर आप देखें तो 78 मंथ आएंगे, तो 78 मंथ का इंटरेस्ट एक ही बार में निकाल लेते हैं। तो ये इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करके देखें तो ये सेम अमाउंट आएगा, 3,900 आएगा। ये हमने यहाँ पे पीरियोडिकल ड्राइंग ली, यानी मंथली ड्राइंग ली,
हर हर पीरियड में कितना पैसा विड्रा किया, वो अमाउंट लिया है जो कि 5,000 रुपीज है। अब अगर यहाँ पे हम एनुअल ड्राइंग्स ले तो वो भी कर सकते हैं, तो पूरे साल भर में कितने पैसे विड्रा हुए हैं, 60,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब अगर एनुअल ड्राइंग लेनी है, पूरे साल भर में कितना पैसा विड्रा किया वो लेना है, तो यहाँ पे टाइम 78 मंथ न लेकर एवरेज टाइम लिया जाएगा। तो एवरेज टाइम कितना, तो पहले बार में जो ड्राइंग थी उसका 12 मंथ था, और आखिरी बार में जो ड्राइंग थी उस पर 1 मंथ था। 12 और 1 मंथ का एवरेज, 12 + 1 = 13, 13 डिवाइडेड बाई 2, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा अगर एनुअल ड्राइंग ले रहे हैं। पर एनम के केस में एनुअल ड्राइंग ले रहे हैं और डेट ऑफ ड्राइंग दी है, तो फर्स्ट पीरियड का टाइम और आखिरी पीरियड का टाइम ये ले लेंगे इसका एवरेज टाइम, तो ये 6.5 मंथ है, ये 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अमाउंट आ रहा है, ये भी सेम आएगा 3900। तो या तो हर एक महीने पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लीजिए तो और टोटल कर लीजिए, ये आ गया 3900, या फिर मंथली ड्राइंग ले लीजिए और उस पर इकट्ठा इंटरेस्ट निकाल लीजिए, हर एक पर कितने महीने का निकला इंटरेस्ट, टोटल उतने महीने कर लिया उस पर इंटरेस्ट निकाल लिया। ऐसे ही या तो एनुअल ड्राइंग ले लीजिए, एनुअल ड्राइंग लिया तो वहाँ पर फिर हम एवरेज टाइम देख लेंगे कि एवरेज टाइम कितना है। तो एवरेज टाइम हमने कैसे निकाला था, फर्स्ट ड्राइंग का टाइम था 12 मंथ और आखिरी ड्राइंग का टाइम था 1 मंथ, तो 12 + 1 = 13, 13 डिवाइड बाई 2, 6.5 मंथ, 6.5 मंथ एवरेज टाइम हो गया, उसका इंटरेस्ट निकाल लिया। तो तीनों तरीके से इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो सेम आता है। हम अभी दो और एग्जाम्पल लेके देखेंगे। यहाँ पर जो ड्राइंग है ये मंथली ड्राइंग थी और हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रा हुआ था, हर महीने के बिगिनिंग में। हम दो केस और ले लेते हैं, अगर बिगिनिंग की जगह एंड में पैसा निकाला होता तो क्या, अगर हर महीने के मिड में पैसा निकाला होता तो क्या, महीने की जगह क्वार्टरली होता तो क्या। ये हम कुछ केसेस लेके आने वाले लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। तो हम अगले लेक्चर में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और मिडिल ऑफ एवरी मंथ वाला लेक्चर कवर करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।